फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पार्स कोचिंग सेंटर चैनल। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अब आज हमने करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? एक्चुअल में रो मैट्रिक्स होता क्या है? रो मैट्रिक्स में जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, वेयर एम इज इक्वल टू वन। अब हमने पिछली वीडियो में किया था व्हाट इज एम, स्मॉल एम को हम नंबर ऑफ रो से डिनोट करते हैं। इट मींस हेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वन। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, वन फिक्स होगी। और कॉलम कॉलम की कंडीशन क्या होगी, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। द कॉलम एक या एक से बड़ा कितना भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, ओनली नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वन फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, लेट हेयर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वन इंटू नंबर ऑफ कॉलम, वन टू थ्री फोर। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर नंबर ऑफ रोज को फिक्स किया था, यहां पर हम नंबर ऑफ कॉलम को फिक्स करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू वन, यही इसकी कंडीशन होती है। आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही याद रखो, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वन होता है और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू वन होता है और एन इज इक्वल टू वन, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ द कॉलम्स। और यहाँ पर सेम जैसे हमने ऊपर बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी सकता है, वन और वन से बड़ा, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एम, एम इज नंबर ऑफ रोज, वन और वन से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर नंबर ऑफ रोज वन टू थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स वन, यहां पे वन फिक्स है। और आपको पता है हमने पिछली वीडियो में किया था थ्री क्रॉस वन इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इट मीन्स यहां पे थ्री एलिमेंट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज एम नॉट इक्वल टू एन, ये कंडीशन होती है इसकी। जैसे हम रेक्टेंगल नहीं करते, रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें उसकी ऑपोजिट साइन सेम होती है, लाइक लेंथ और ब्रेथ, बट लेंथ और ब्रेथ दोनों कभी इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। सिमिलरली रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल से ही बना है, यहाँ पे m डज नॉट इक्वल्स टू n, मतलब रो और कॉलम कभी इक्वल नहीं होगी, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रोज कितनी है, वन टू थ्री, और कॉलम्स कितने हैं, टू। यहाँ पे रोज कितनी है, वन टू थ्री फोर, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, वन टू थ्री। सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब थ्री रोज इंटू टू कॉलम्स, देखो रो और कॉलम इक्वल नहीं है। सिमिलरली फोर रोज इंटू थ्री कॉलम्स, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। जब भी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ क्या सेम होती है, मतलब उसकी सभी साइड सेम होती है। सिमिलरली यहां पर कंडीशन क्या होगी, नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज एम इज इक्वल्स टू एन. रेक्टेंगुलर में एम डज नॉट इक्वल टू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स में एम इक्वल्स टू एन. मतलब जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, टू रोज टू कॉलम्स, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखिए दो रो दो कॉलम दिए हुए हैं, एक दो तीन रो तीन कॉलम, मतलब रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स. सबसे पहले डायगोनल होता क्या है, लेट हमने कोई भी मैट्रिक्स ली है, मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है ना, इसकी जो ये वाली एंट्रीज होती हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. समझ लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 1 0 4, ठीक है ना, जो जी सिर्फ इस वाली एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, और इन तीनों को 1 0 4 को हम क्या बोलेंगे, इनको प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देते हैं. याद रखना क्या होता है, जो ये वाली एंट्रीज होती हैं उनको हम डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, और इन तीनों को ही सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं. अबव द प्रिंसिपल डायगोनल और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज ऑल एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स. मतलब सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. पीछे हमने किया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए. यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, तीन रो और तीन कॉलम है. डायगोनल मैट्रिक्स में हमें क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनके अबव और बिलो ऑल एंट्रीज एंट्रीज अबव और बिलो ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी जीरो. इसके ऊपर और इसके नीचे सभी एंट्रीज क्या है, जीरो होनी चाहिए. बट एक चीज और, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं जी, आपके जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी सकते हैं. कई बुक्स में आपके देखा भी होगा कि ये एलिमेंट्स कभी जीरो नहीं होगी, नहीं हो सकती है, ठीक है ना. तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है इसके ऊपर और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या है, जीरो होने जरूरी है. नाउ नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमिलर इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना. जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में किया था कि हमारे पास डायगोनल एंट्री होगी, उसके ऊपर उसके नीचे एलिमेंट जीरो होंगे, स्केलर मैट्रिक्स में जस्ट क्या है, जो हमारी एंट्रीज होगी, एंट्रीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम, सेम होने चाहिए. लाइक जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, देखो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है, ये क्या है, सभी सेम होने चाहिए. अगर यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 होगा, और उसके ऊपर ठीक और उसके नीचे, उसके ऊपर उसके नीचे वो एलिमेंट ऑलवेज क्या होगे, हमारे जीरो होने चाहिए. ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है. नाउ नेक्स्ट नल, और जिसको हम क्या है, जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं. नल नाम से हम देख सकते हैं, नल मीन्स एम्प्टी, मतलब खाली, मतलब जीरो, मतलब ऑल एंट्रीज शुड बी जीरो. किसी भी मैट्रिक्स की अगर कोई भी एंट्री हो वो क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स क्या कहते हैं. जैसे ये हमारी 2x2 की है,
अरे हमारी थ्री कॉस की एक और चीज़ है, जैसे हम नल जीरो मैट्रिक्स देता है, इसकी नोटेशन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। इसको आप जीरो मत समझना, जब भी कभी कैपिटल हो गई ना, मतलब कैपिटल ऑर्डिनेट क्या, मतलब डायरेक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, इट मीन्स हम यहाँ पर ऑलवेज क्या है, जीरो ही लिखेंगे। कभी भी आपने जीरो मैट्रिक्स लिखनी है तो इसको ए नहीं, हम जीरो से डिनोट करेंगे। और जितनी मैट्रिक्स का, जितनी ऑर्डर की भी आपको मैट्रिक्स चाहिए होगी, आप उतने ऑर्डर के लेके उसमें सभी एंट्री क्या है, जीरो लिख देंगे। इसे हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मीन, आइडेंटिटी मीन्स वन, यूनिट मैट्रिक्स मीन वन। जैसे हम नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ऑल एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर ऑलवेज, ऑल एंट्रीज आर ऑलवेज, सॉरी नॉट ऑल एंट्री मीन्स ओनली डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू वन एंड अदर्स एंट्रीज आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है 2x2 की, मतलब दो रो और दो कॉलम हो गई। देखो डायगनल एंट्रीज क्या होती है, ये वाली होती है, यानी कि यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और जितनी भी हमारे पास एंट्रीज बचेंगी उनको हम 0 लिख देंगे। सिमिलरली 3x3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, पहले डायगनल एंट्रीज 1 लिख लो, बाद में जो भी एंट्रीज बचेंगी उनको हम 0 लिख देंगे। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कई बार हम यहाँ पर ना आपके पास I2 भी लिख देते हैं और इसको I3 भी लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। I2 मतलब 2x2। हमने जितनी भी ये ऊपर डायगनल से लेके अभी तक, डायगनल से लेके अभी तक जितनी भी मैट्रिक्स डिस्कस की हैं, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन सभी में जितनी भी आप देख लो, रो और कॉलम क्या होंगे आपके पास, इक्वल ही होंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप इज नाइन्थ। नेक्स्ट टाइप इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है अपर ट्राइंगुलर, मतलब ऊपर कोई ट्राइंगल बन रही होगी। सबसे पहले इसके लिए भी हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली 3x3, इसमें आप क्या है, आप डायगनल एंट्रीज ले लो। जो आपकी डायगनल एंट्रीज होगी ना यहाँ पे, वो क्या है, हम ले रहे हैं 1, 2, 3, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगनल्स होते हैं उसके, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगनल, बिलो द प्रिंसिपल डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल क्या होता है, ये वाली एंट्रीज, इनको प्रिंसिपल डायगनल होते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगनल्स आर जीरो, यानी प्रिंसिपल डायगनल के नीचे जो एंट्रीज है उनको जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सभी जीरो हो जाए, और जो इसके ऊपर है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे, ठीक है ना, बट इसके नीचे अगर, तो आपको जीरो मिल रही है। देखो अब आपके, देखो ऊपर एक ट्रायंगल बन गई होगी, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, बन गई ना, इसे ये बोलते हैं इसके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिकॉज डायगनल एलिमेंट के जो ऊपर है उन एंट्री के साथ ये अपर ट्रायंगुलर बना रहा है। अपर ट्रायंगुलर के बिलो जो, ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर के बिलो जो एंट्रीज होगी वो ऑलवेज क्या होगी, जीरोज होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमिलरली, जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या किया था, प्रिंसिपल डायगनल्स के बिलो एंट्रीज को जीरो किया था, यहाँ पर
उल्टा होता है, जैसे यहाँ पे अपर था, अप मीन्स ऊपर, तो बिलो एंट्री को जीरो करना है। अब यहाँ पे लोअर आ गया, लोअर मतलब मैं कोई एग्जांपल ले देती हूँ, जैसे जैसे ऊपर वाली ली थी, लोअर ट्रायंगुलोमेट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगनल्स की जो एंट्रीज है ना, प्रिंसिपल डायगनल्स की, उसके अबव अबव एंट्रीज उनको जीरो करना होता है, उनके नीचे हम जो भी लिखेंगे लाइक। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, लोअर ट्रेंगुलर बन चुकी है। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अबव द प्रिंसिपल डायगनल्स आर जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जो हमारी एंट्रीज है प्रिंसिपल डायगनल्स की, उसके ऊपर वाली सभी एंट्रीज जीरो आनी चाहिए, नीचे जो कुछ भी हो। तो जो इस तरह की मैट्रिक्स होती है उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। सो आज के हमारे टाइप, जो हमारा आज का टॉपिक था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमने क्या है, हमने टोटल इसकी 10 टाइप कर ली है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।